तीन बातें नोट कर लीजिए। नंबर एक है लड़ाई के मैदान, दूसरी बात यह है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है, अमेरिका वाला मामला सच खोल के, और इसी वजह के साथ साथ हमारे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं की हुई हत्या 93 में नहीं दे पाते, बता दो कौन सा टिकट है। अभी से उनकी लिस्ट बन गई, गाजीपुर हम लड़ेंगे, पर हम लड़ेंगे बस्ती लड़ेंगे, हाँ तो गोरखपुर लड़ेंगे, बांसवाड़ लड़ेंगे, महाराजगंज लड़ेंगे, बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह से पूर्वांचल को जहाँ हमारा गढ़ था वहाँ पर, और जहाँ के मुरादा मंडल तक चले जाइए, बरेली मंडल तक चले जाइए, पूरा का पूरा सॉलिड था वहाँ फिर जीत के स्वर्ग। लेकिन फिर हम बरेली में साथ जीते हैं, बदायूं में साथ जीते, सब जगह हम लोग कमजोर थे, हम मेहनत करते, कितने बार बरेली मैंने कहा तरह से इनको हमने हरा दिया, ये जीत जाते, ये ईमानदारी का ये चौहान को हमने हरा। तो अब ये बुरे दिनों को भी, अच्छे दिन को भी ये जीत जाएंगे। विकास का भी कुछ हिस्सा आपको अपनी बोल देगा, कसके राय देने जा रहे हैं कि किसी से कोई समझौता नहीं गठबंधन तोड़ जोर से जिंदगी निकल कोई समझौता असेंबली पहले दिन में शोक प्रस्ताव हुआ, बालाजी देसाई का और मदन भाई का, और जो होगा उसका होगा, नहीं चाहता हूँ सदा कहाँ करे 19 से पहले करना पड़ेगा। देखिए 19 तारीख को असेंबली से हम पहले करेंगे, अगर हम करेंगे तो पहले करेंगे, तो जो भी एक ध्यान रखें, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो अगर चिट्ठी नहीं मिलती है, अगर समाचार पत्रों में पढ़ लेता है वर्कर तो वो चिट्ठी मान लेता है जी। तो जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको आना है, पब्लिक आम पब्लिक नहीं, प्रमुख कार्यकर्ता आना है, इससे कार्यकर्ता सुनिए 19 तारीख को, 19 को प्रेशर रहेगा, शोक प्रस्ताव रहेगा ना, और हो जाएगा शोक प्रस्ताव, 19 को कार्यकर्ता महीना भी नहीं टिकट तय शुरू हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, जब कोई ज्यादा देर हम ये तो नेता ही जा रहे हैं। देखिए आपको जुट जाना चाहिए एक बाई रोड, अभी हेलीकॉप्टर किराए पर लेना उचित भी नहीं, चलता रहे लेकिन अभी से इंतजाम सब चीज का, आपको 31 जुलाई तक हम पूरा इंतजाम चुनाव का करते हैं। जिस दिन आप 50 जीत के आ जाएंगे पार्लियामेंट सीट के, बस खत्म है, देश आपके 50 से ज्यादा मिलेंगे साहब, हम तो 50 नहीं बोलेंगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नहीं बोले, क्योंकि काशिका में जो कल जान दिया उसने कहा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के सबने हमेशा कहा कि सरकार चलाओ, और सबसे ज्यादा पीपी सिंह और अमेरिका इंद्रजीत गुप्ता, अमेरिका तो खुलेआम था जी, तो आपका बयान रफ संजानी जो आए थे उससे अमेरिका मेरे बहुत खराब हो गया, ये रफ संजानी का जो मैंने स्वागत यहाँ किया ईरान, ये है उसके मेरे खिलाफ हो गया। दूसरा मैंने एक तर्क दिया होगा, सुना होगा आपने भाषण, कि दुनिया में जितनी अन्न पैदा करने की क्षमता सबसे ज्यादा ध्यान दिया है समाजवादी पार्टी, वो तो पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो सब मिल करके, तो आप लोग घबराना नहीं क्योंकि जो होता है वो अच्छी होता है, हमें बस खुशी इस बात के बेदाग निकल गए, हम तो ये और जो आप एक महीना बाद हमको फिर कार्यकर्ता मीटिंग बताएंगे, तुरंत कहा यहाँ पर जो बाम सिर का सम्मेलन हुआ था उसके तुरंत कहा कि हम दोनों को फिर भंग कर देना चाहिए, हम फिर उसमें आप नहीं ऐसा करके, नहीं नहीं बाम से मैं आपको, ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, लालजी टंडन मैं ढूंढ रहा हूँ काशी राम जी का प्यार क्या, लेकिन
देखो आ गया अखबार में लालजी टंडन बम्बई में चले गए, पाँच छह फिर उनको सभामी ले गए। याद होगा नैनीताल के प्रस्ताव में, मेरा रामचंदा जी को पता होगा, मैंने कहा था जिस दस सभी का डेढ़ महीना पहले आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, मेरा कोई जनता पार्टी की सरकार दिल्ली और उसके दिल्ली और उसके रोड़ा है समाजवादी पार्टी आप, इसलिए समाजवादी पार्टी की ताकत वो निकल के आएगी जो नहीं आप चाहते थे, वो वोट पड़ेगा। मुलायम सिंह के गुंडे, ओपी सिंह का मुअत्तिल, अतर सिंह यादव को मुअत्तिल, नामवर सिंह यादव को मुअत्तिल, ये शुरू हो गया है। और फिर ये बदले की भावना, हमेशा चीफ मिनिस्टर कहता भले बदले की भावना से पिले कि मैं आप कोई बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह जी यादव समाजवादी पार्टी महोदय, मैं सांप्रदायिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बराबरी एवं भाईचारे के लिए मैं अफजलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनपद बिजनौर से उनको दे दो सब और दो चार हैं। मैं जी क्योंकि जी मैं निर्दलीय के रूप में टिकट काट दिया था, मेरा आखिरी टाइम में मायावती जी ने बीजेपी और कांग्रेस के हाथों 40 लाख में भूमिका की और कोशिश की आखिरी वक्त तक के अलायंस हो। मायावती जी किसी कीमत पर अलायंस नहीं चाहती थी, लेकिन काशीराम जी का बार बार हमने जहन साजी की अलायंस के लिए वो मना करती थी, खर्च की बात करते थे। उन्हीं फिरका परस्त ताकतों के साथ जा कर के डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को बेच दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर के लोहिया जी के मिशन को लेकर के समाजवाद को लेकर के सारे ये पूरा चार्ज हर चीज कैसे उम्मीदवार कौन लड़ेगा कौन अध्यक्ष पार्टी का कैसे काम करवा हर वर्ग संगठन अभी रामसन नासी से